हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज मौसम वापस से बहुत ही अच्छा है। बरसात के टाइम चल रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन करता है, तो इनकी फरमाइश पे आज मेरी मदर इन लॉ बनाने जा रही हैं गुड़ के चावल, जो इन्हें बहुत पसंद है। तो एक्चुअली जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरा बेबी शावर था, तब उन्होंने ये बनाए थे। एंड काफ़ी जो हमारे रिलेटिव्स हैं एंड जो फ्रेंड्स हैं वो इसकी रेसिपी जानना चाह रहे थे मम्मी से, तो मैंने सोचा कि आज मम्मी बना ही रही है तो मैं इसे शूट करके यूट्यूब पर डाल दूँ, तो ताकि सब इजीली यूट्यूब से देख सके। तो मैं अभी आपको मम्मी से मिलवाती हूँ और तो इसलिए आज हम फिर आ गए। हाँ जी, तो मैं अभी आपको मम्मी से मिलवाती हूँ और आपको वो बताएंगी कि कितने इंग्रेडिएंट्स लेने हैं और क्या क्या, तो आप वो हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, तो से हाय टू यूट्यूब। तो अभी मम्मी बताओ आप क्या क्या लेने वाले हो और कैसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए आपने। वन एंड हाफ ग्लास मीन्स 4.5 केजी राइस। ओके, एंड दिस इज ड्राई फ्रूट्स। ओके, एंड ऑयल एंड क्यूमिन सीड्स। ओके, दिस इज जैगरी वाटर। ओके, तो आपने ये कैसे कितने पानी में डाल के किया, कैसे किया? 2 glass ऑफ वाटर एज ऑफ राइस। ओके, तो इसमें मैंने 7.50 जैगरी डाल दिया। ठीक है, तो और ऑयल कितना होगा आपके हिसाब से? 4 to 5 spoons। ओके, ठीक है, चलो अभी हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा मेन पार्टनर भी आ गया। हाँ, से हाय हरगुन, से हाय, से सब्सक्राइब टू माय चाचीज चैनल। ओके ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मम्मी डाल रही हैं ऑयल, जब तक मैं आपको थोड़ा अपना किचन टूर दे देती हूँ, आप ये देखिए मैंने कितने अच्छे से अपना जो किचन है वो सजाया है। मुझे ये सब बहुत शौक है, ये सब चीज़ों का, तो मैं कुछ ना कुछ लेके कलेक्ट करके यहाँ पर सजाती रहती हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी देख लीजिए, और यहाँ पर हरप्रीत अभी जिम से आए हैं तो अपना प्रोटीन बनाने में बिजी हैं। ओ माई गॉड, तो फिर यहाँ पर देखिए ये सब मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। तो मुझे थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें करने में, घर सजाने में बहुत शौक है, तो आप देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके, बैक टू द वीडियो। फिर अभी नेक्स्ट मम्मी क्या डाल रहे हो? क्यूमिन सीड्स। ओके, तो ये अभी ऑयल थोड़ा सा जो है वो हॉट हो गया है, अभी ये डाल रहे हैं। कितना टीस्पून है ये? 1.5। ओके, एंड मैं अंदर थोड़ा आप लोगों को खिलाती हूँ। ओके, सो से हाय एवरीबॉडी, हाय, से सब्सक्राइब टू चाची चैनल। दीदी को ब्लैंकेट दे रहे हो? ओके, एंड यहाँ ये मेरा छोटू सा असीस, कितना क्यूट लग रहा है। ओके, ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया मुझे घर से जाना बहुत पसंद है, तो ये सब मैं ऐसे थोड़ा बहुत अमेजोन से कहीं ना कहीं शॉप करती रहती हूँ और मैं घर से जाती रहती हूँ। एंड यहाँ देखिए ये ड्रीम कैचर असीस के नाम का। ओके, अभी नेक्स्ट क्या डालेंगे? अभी हम आइस है जो आधा घंटा मैंने सोक किए। ओके, नाउ आई एम ड्रॉपिंग द वाटर। घर पे बनाएंगे तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे आप जरूर शेयर कीजिएगा, मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन पे मैंने दिया है, तो आप प्लीज उस पे जाके फॉलो भी कीजिए।
वाले चावल मम्मी बना रही है, तो आपको कैसे लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफी टाइम से खाने का दिल था, बट थोड़ा बारिश हो गई तो मौसम अच्छा हो गया, तो अब मजा आएगा खाने। बारिश में तो वैसे ही ये सब खाने का बहुत मजा आता है। एंड आज ही मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था कि तू प्लीज अभी खाने की वीडियोस पे जरूर रेसिपी थोड़ा बना, तो मैंने बोला जरूर, चलो आज इसी से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट अभी जैगरी वाटर कितना डालेंगे? 1.5 में 3 glasses। ओके, तो 1.5 ग्लास चावल में हम डालेंगे 3 glass ऑफ गुड वाटर, जैगरी वाटर। ओके, तो यहाँ पर आ गया है जैगरी वाटर। आप इससे पकड़ लो ना, आपको इजी हो जाएगा। सो ये गया 3 glass, 2.5 glass ऑफ जैगरी वाटर। थोड़ा ऑयली था ना। ओके, तभी हम इसे मिक्स कर लेंगे। देन इसके बाद हम लिड बंद कर देंगे। देखिए फ्लेम अभी फिलहाल स्लो पर ही है, तो अभी जो है मम्मी लिड बंद कर रही है, मैं हेल्प कर देती हूँ मम्मी को लिड बंद करने में। ओके, हो गया। माँ है वो, माँ उसे सब आता है। एक्चुअली ये कुकर न्यू है ना, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वरना शी इज एन एक्सपर्ट, उसमें तो कोई ये नहीं है। तो अच्छा ठीक है, तो एक विसल होने के बाद में आप गैस स्लो कर दीजिएगा, एंड उसके बाद कितने टाइम तक? 5 to 10 minutes तक आपको स्लो फ्लेम पे रखना है, बिल्कुल मीडियम नहीं, फास्ट नहीं, लो फ्लेम पे आप रखिए। एंड देन आप गरम गरम जो है मीठे चावल, उसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट गार्निश करके आप खा सकते हैं, वो हम आपको जरूर बताएंगे। मम्मी ने बनाया इतना चाहिए। यो मम्मी, यो थैंक यू मम्मी फॉर शेयरिंग योर गुड की रेसिपी। हाय कर दो, सब लोग हाय कर दो जल्दी। हाय आशीष से हाय। अजी चोनी कम और चोनी मोमो का चाचा, ये है मेरा क्यूट बेबी। हमारा क्यूट आशीष से हाय। से हाय टू यूट्यूब। गिव फ्लैंकिस। ओके, तो एंड चलो विसल के साथ साथ मेरा भी जाने का टाइम हो गया, विसल पोड़ू या मेरे। चलो बाय बाय, थोड़ा काम में जा रहा हूँ मैं। ओके बाय हरप्रीत। तो एक विसल अभी हम जो है गैस हम लो फ्लेम पे कर देंगे, तो अभी हमने जो है गैस लो फ्लेम पे कर दिया है, एंड अभी मम्मी ने जैसे बताया 5 to 10 minutes हमें ऐसे ही लो फ्लेम पे रखना है, एंड उसके बाद हम जो है पूरी गैस निकलने के बाद कुकर को ओपन करेंगे, एंड देन देखेंगे हमारे गुड़ के चावल कैसे बने हैं। तो अभी 10 minutes हो गए हैं, एंड अभी जो है मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ, एंड अभी थोड़ा सा इसका जो है ये बाफ निकल जाएगा, उसके बाद में फिर हम इसे ओपन करके गार्निश करेंगे, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अभी ये राइस हो गए हैं, पूरी बाफ निकल गई है, एंड अभी मम्मी इसे ओपन कर रही है। वाओ, कितने अच्छे खिले खिले बने हैं, तो अभी इसे हम मिक्स करके बताएंगे कैसे लग रहे हैं। इतने मस्त बने ना तुम खिले खिले। लाइक इट आशीष, यू लाइक इट? से हाय आशीष के फ्रेंड्स चले गए, आशीष की नेबर भी चली गई, और आशीष की दीदी भी चली गई है ना आशीष। अभी वाओ आशीष, सो नाइस। ओहो, आपकी तो ये रेसिपी तो बहुत फेमस होने वाली मुझे लग रहा है अभी। नहीं यम्मी, वाओ। आई एम स्प्रिंकलिंग दिस ड्राई फ्रूट्स। ओके, थोड़ा अभी गार्निशिंग करेंगे, इसमें है काजू बादाम एंड थोड़ा सा कोकोनट, ड्राई कोकोनट। ओके वाओ,
सो ये हो गए हैं हमारे गुड़ के चावल रेडी, यम्मी यम्मी। अभी हम इसे टेस्ट करेंगे। मम्मी आप ही टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं। ओके। जिसने बनाया है पहले वो ही टेस्ट करके बताए। सो यम्मी। ओ ये थी हमारे रेसिपी जो है गुड़ के राइस की। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके से सब्सक्राइब टू चाचीज चैनल। ओके बाय। असी से बाय। Bye. Love you. Say gift line kiss. Gift line kiss. Here. Assis here. Gift line kiss. Aww. Oh.